नमस्ते दोस्तों, केम छो मजामा। मैं संजय न्यू टेरिस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको स्नेक प्लांट के बारे में जानकारी दूंगा, इसके एक पत्ती से हम कैसे लगाए और इसकी रिपोर्टिंग के बारे में। बस सिंगल पत्ती से आप नए प्लांट तैयार कर सकते हो इसकी, तो इसी के बारे में जानकारी दूंगा कि किस तरह की सॉइल में हमें पत्ती लगानी चाहिए, एक पत्ती से डेरो प्लांट तैयार हो जाए। तो ये देखिए, एक प्लांट से देखिए कितने प्लांट बने हैं। और यहाँ पे ये प्लांट है, ये भी मैंने सिंगल पत्ती से सब ग्रो किए हैं, और ये भी सिंगल पत्ती से ग्रो हुआ प्लांट है। और इसमें से देखिए रिपोर्टिंग के बाद अब नया प्लांट इसमें से बाहर निकल रहा है। पहले भी दो प्लांट निकले थे, मैंने रिपोर्ट कर दिए। इसके बाद मैंने ये सिरामिक पॉट में इसको शिफ्ट किया था। अब चलिए मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह हमें पत्ती लगानी है और कैसे सॉइल में लगानी है। ये देखिए, ये मैंने निकाल लिया और बाद में याद आया, तो देखिए एक पत्ती से पांच प्लांट बने थे। देखिए ये दो मैंने तोड़ लिए थे, अलग कर दिए थे। तो देखिए ये पत्ती का छोटा सा टुकड़ा है, पूरी पत्ती भी नहीं है। तो किस तरह हमें पत्ती लगानी चाहिए, तो सबसे पहले जो पत्ती का ऊपर वाला हिस्सा रहता है, देखिए ये वाला हिस्सा ऊपर का, तो ये ऊपर रहना चाहिए। और ये वाला हिस्सा जो आता है ये ज़मीन में दबाना चाहिए, चाहे कितने आप टुकड़े कर लो, पर जो नीचे वाला हिस्सा है वो ज़मीन में दबाना है। कोई भी पुराने गमले में लगा दीजिए आप पत्ती, तो धीरे धीरे इसमें रूट निकलती है और नए प्लांट तैयार हो जाते हैं। इसके लिए आप सॉइल बनाना चाहो तो रिवर सैंड और गार्डन सॉइल दोनों आधा आधा मिक्स करके आप इसकी पत्तियां लगाइए, तो भी ये पत्ती लग जाती है। ये काफ़ी टाइम से गमले में लगा हुआ था, तो आज सोचा चलो इसको अलग रिपोर्ट कर दूँ। तो देखिए इसके लिए जो सॉइल लिया है मैंने, तो ये देखिए ये सॉइल में लगभग 40% जितने रिवर सैंड है, 20% मैंने राइस रस्क मिलाए थे, देखिए चावल की जो भूसी, और 30% के आसपास मैंने इसमें गार्डन सॉइल मिलाई थी, और 10% वर्मी कंपोस्ट। तो इस तरह मैंने मिट्टी तैयार की और इसमें मैं रिपोर्ट करूंगा फिर। ये देखिए ये छोटा ही गमला लिया है मैंने, प्लांट छोटा है इसके हिसाब से देखिए। तो स्नेक प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट है, आप इसको एक बार लगाओगे अपने गार्डन में तो ये बढ़ते ही जाएंगे, आपके गार्डन से कम नहीं होते, एक से अनेक हो जाते हैं ये। तो ये ड्रेनेज जो बनाया था गमले में, उसके नीचे हमें ठीकरी रखती है और फिर इसके ऊपर हम मिट्टी भर देंगे, देखिए इस तरह से। मैं और थोड़ी मिट्टी डाल दूंगा, गर्मियों में इस प्लांट की बस हमें थोड़ी केयर ये करनी पड़ती है कि इसको ऐसी जगह पे आप रखिए कि जहाँ शेड वाली जगह हो। इंडोर प्लांट बहुत ही अच्छे से चलता है ये, ये देखिए इस तरह से एक एक करके सब रख दूंगा, और इसको भी मैं पत्ती से सब निकाल लूँगा और अलग अलग लगा दूंगा, ये देखिए इस तरह से। और ये पत्ती वापस में उसी गमले में लगा दूंगा, ये देखिए एक पत्ती से पांच प्लांट बने थे। चलिए मैं इसको लगा देता हूँ, ये देखिए यहाँ मैंने पांचों प्लांट एक ही गमले में लगाया। छोटा सा गमला है, लगभग 4 इंच का होगा गमला ये। अब इसमें वाटरिंग कर देंगे हम, और इसको शेड वाली जगह पे रखेंगे हम, क्योंकि एक इंडोर प्लांट है, इसको धूप लगेगी तो इसकी पत्तियाँ सुकड़ने लगती है, और इंडोर बहुत ही अच्छे से चलता है ये प्लांट। और इस प्लांट में खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, एक बार आप अच्छे से मिट्टी बना के इसको लगा दोगे तो इसमें प्रोपोगेशन बहुत ही होती है, एक से अनेक हो जाते हैं। तो आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।